हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कैटलेस टेस्ट। ठीक है, बेसिकली कैटलेस टेस्ट क्यों किया जाता है आज हम ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे, क्या एम है और किस तरह से किया जाता है, ये सभी चीज़ें आज हम इस टेस्ट के अंदर या इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कैटलेस टेस्ट यानी कि जो कैटलेस है वो क्या होता है। देखो, कैटलेस क्या एक एंजाइम है जो क्या करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं। सो जनरली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन परोक्साइड एंड दिस हाइड्रोजन परोक्साइड इज टॉक्सिक टू द सेल्स। देखो, जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड, और यही जो हाइड्रोजन परोक्साइड है वो टॉक्सिक होता है किसके लिए, सेल्स के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो इफेक्ट होती हैं, यानी कि वो सेल्स की क्या हो जाती हैं, डेथ हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कि हाइड्रोजन परोक्साइड है जो कि बन रहा है जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को ले रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या बनता है, हाइड्रोजन परोक्साइड बनता है। ठीक है, जो कि टॉक्सिक रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की सेल्स के लिए। तो इससे बचने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या, कैटलेज एंजाइम को। ठीक है, द रोल ऑफ कैटलेज एंजाइम इज टू कन्वर्ट हाइड्रोजन परोक्साइड मॉलिक्यूल टू वाटर एंड ऑक्सीजन एंड दिस रिएक्शन इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखो, बेसिकली जो कैटलेज एंजाइम है उसका क्या रोल होता है, जो कैटलेज एंजाइम है ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन परोक्साइड बना है उस हाइड्रोजन परोक्साइड को कन्वर्ट कर देगा किस में, वाटर में प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, जैसे ये है 2H2O2 कन्वर्ट हो रहा है किस में, वाटर में और ऑक्सीजन में, किसकी प्रेजेंस में, कैटलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये कैटलेज एंजाइम क्या करता है, ये जो H2O2 बन रहा है जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उस टाइम पे जो H2O2 बन रहा है उस माइक्रोबियल सेल के अंदर, उसके अंदर अगर कैटलेज एंजाइम है तो वो कैटलेज एंजाइम क्या करेगा, वो कैटलेज एंजाइम H2O2 को कन्वर्ट कर देगा H2O+O2 में, क्योंकि H2O2 जो है वो सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहता है। सो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यही बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है कि एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं किस में, ऑक्सीजन के अंदर एज ए हाइड्रोजन परोक्साइड, क्योंकि अगर उन्होंने ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया तो क्या बनाए गए, हाइड्रोजन परोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन परोक्साइड जो बना है सेल के अंदर ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है, और इसे तोड़ने के लिए इनके पास क्या नहीं है, कैटलेज एंजाइम नहीं है। ओके, तो अगर इनके पास कैटलेज एंजाइम नहीं है तो ये H2O2 इनकी सेल में रहेगा, उनकी सेल में रहेगा तो ये सेल के लिए क्या होगा, टॉक्सिक होगा, और सेल के लिए टॉक्सिक होगा तो दैट मीन्स जो एनारोबिक सेल है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करते हैं। ओके, सो द प्रेजेंस ऑफ कैटलेज इन ए माइक्रोबियल और टिश्यू सैंपल कैन बी डेमोस्ट्रेटेड बाई एडिंग हाइड्रोजन परोक्साइड। यानी कि हम किस तरह से टेस्ट को कर सकते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अगर प्रेजेंस चेक करनी है कैटलेज एंजाइम की तो हम कोई भी एक सैंपल लेंगे, माइक्रोबियल टिश्यू लेंगे या टिश्यू सैंपल लेंगे, फिर उसमें हम हाइड्रोजन परोक्साइड डालते हैं और ऑब्जर्व करते हैं रिएक्शन। ठीक है, ऑब्जर्व किस तरह से रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन होगा, उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन होगा ऑक्सीजन का जो कि फॉर्मेशन और बबल्स, बबल के फॉर्मेशन के साथ दिखेगा। अभी मैं अभी एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगी, उसमें आप देखना बबल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको एक चीज़ और, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगी, यहाँ पे आपको ये चीज़ आपने सभी ने पढ़ा होगा कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं करते। ग्रो नहीं करते क्यों, ग्रो नहीं करते हैं, उसका आंसर यही है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, जो आपके एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करके क्या फॉर्म कर लेंगे, H2O2, और यही H2O2 क्या रहता है, टॉक्सिक रहता है। ठीक है, इस वजह से वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं करते हैं। अब आते हैं कि मेन एम क्या है कैटलेज टेस्ट का, हम क्यों कैटलेज टेस्ट को करते हैं, इसका जो पर्पस है कैटलेज टेस्ट को करने का बेसिकली क्या है, कि इससे हम पता लगा सके कि कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो कैटलेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और कौन से नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन चेक कर सकते हैं कि कैटलेज एंजाइम को कौन कौन बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंडली क्या हो जाता है, किसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिक है, एनारोबिक है, ऑब्लिगेट एनारोबिक इन नेचर है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम इसकी मदद से पता लगा सकते हैं, अगर वो कैटलेज एंजाइम बना रहा है दैट मीन्स
वो H2O2 को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो ये H2O2 कब बनेगा, जब ऑक्सीजन को वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो अगर वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है, दैट मीन्स इट्स एरोबिक बैक्टीरिया, और अगर वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर रहा है खुद को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगा, H2O2 बन जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी उस सेल की, उस सेल की डेथ हो जाएगी। तो अगर वो ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ ए एनरोबिक बैक्टीरिया, ओके। और एनरोबिक बैक्टीरिया के पास कैटेलेज एंजाइम नहीं होता है। सो ऑब्लिगेट एनरोबिक इन नेचर एंड ड्यू टू दिस वी कैन डिफ्रेंशिएट द ऑर्गेनिज्म इन कैटेलेज पॉजिटिव एंड कैटेलेज नेगेटिव, ठीक है। हम इसके अनुसार ही हम क्या कर सकते हैं, कैटेलेज पॉजिटिव और कैटेलेज नेगेटिव बैक्टीरिया के जो ग्रुप्स हैं उनको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये यूज़फुल रहता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए भी। सो अभी मैं आपके साथ प्रोसीजर शेयर करने वाली हूँ, तो अभी आप प्रोसीजर देख लीजिए कि किस तरह से ये जो पूरा कैटेलेज टेस्ट है वो किया जाता है, ओके। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम बैक्टीरिया के अंदर परोक्साइड टेस्ट करते हैं या फिर कैटेलेज टेस्ट को देखते हैं, ठीक है। कैटेलेज टेस्ट यानी कि बैक्टीरिया जो है वो कैटेलेज पॉजिटिव है, कैटेलेज नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें पता चलेगा बबल फॉर्मेशन के थ्रू। अगर आपकी कॉलोनी के ऊपर परोक्साइड डालने के बाद बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है, कैटेलेज पॉजिटिव है। अगर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 2 स्लाइड्स, ठीक है। मैं 2 स्लाइड ले रही हूँ, एक अगर आपको एक करनी है एक कॉलोनी के लिए तो एक ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको ड्रॉपर चाहिए होता है, फिर बर्नर चाहिए, मेन रिएजेंट जो है परोक्साइड वो चाहिए, हाइड्रोजन परोक्साइड, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलोनीज चाहिए बैक्टीरिया की। तो मैं यहाँ पे 2 कॉलोनीज़ का टेस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। इसमें से मैं उठाने वाली हूँ वाइट कॉलोनीज़ और यहाँ से मैं उठाने वाली हूँ ये पिंक कॉलोनीज़, ठीक है। तो चलिए, और इसके साथ साथ आपको इनोकुलेशन लूप चाहिए होता है, जिसके द्वारा आप क्या करेंगे, कॉलोनीज़ को उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 ड्रॉप लेनी है, एक एक ड्रॉप लेनी है वाटर की, क्योंकि आपका जो कल्चर है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। एक एक ड्रॉप आप लेंगे वाटर की, और उसके बाद क्या करेंगे, इनोकुलेशन लूप को स्टेराइल करेंगे। ठीक है, प्रॉपरली इसको रेड हॉट करना है, ओके। फिर इसको हल्का सा ठंडा करना है। तो सबसे पहले मैं कॉलोनी उठा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, पिंक कॉलोनीज उठा रही हूँ। तो हम इसे, आप मास्क पहन के रखिए, ठीक है, और इसमें से आप कोई भी एक कॉलोनी जो है उठा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये कॉलोनी है, अब हम क्या करेंगे, इसे वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे कॉलोनी को। अब हमें देखो इसकी हल्की सी क्या बना लें, छोटी सी स्मेयर बनानी है बिल्कुल, ओके, इस तरह से। फिर हमें क्या करना है, इसे पूरा दोबारा से स्टेराइल करना है, क्योंकि हमें सेकंड कॉलोनी उठानी है, ठीक है। तो उसको रेड हॉट करना है दोबारा से, ये देखिए। अब जो मैं सेकंड कॉलोनी उठाने वाली हूँ वो मैं इसमें से उठाने वाली हूँ, ठीक है। इसमें से मैं वाइट कॉलोनी इसको उठाने वाली हूँ, एक वाइट कॉलोनी हमने इसमें से उठा ली है, ठीक है। फिर इसको भी हम क्या करेंगे, हल्की सी स्मेयर बना देंगे, छोटी सी स्मेयर बनानी है, बहुत बड़ी स्मेयर आपको नहीं बनानी है, ओके। और अब इसको दोबारा से आपको रेड हॉट करके यानी कि स्टराइल करके रख देना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से अब हम प्लेट्स पीछे कर देते हैं, जो आपकी हाइड्रोजन परोक्साइड है उसकी 2 2 ड्रॉप जो हैं दोनों में डालने वाले हैं। ये देखिए, इसमें बबल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैटेलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैटेलेज पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को आपको चेक करने के लिए ग्राम स्ट्रेनिंग करनी होगी। तो आप बैक्टीरिया की ग्राम स्ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ग्राम स्ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो सेकेंड हमारी स्लाइड थी व्हाइट कॉलोनीज वाली, उसे भी चेक करेंगे कि क्या वो कैटलेज पॉजिटिव है, कैटलेज नेगेटिव है। ये भी जो है वो कैटलेज पॉजिटिव है, देखिए इसके अंदर भी क्या हो रहा है, बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को चेक करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया जो है वो कैटलेज पॉजिटिव है, कैटलेज नेगेटिव है।
अब देखिए, अगर जैसे आपको ये रेड वाली कॉलोनी उठानी है, तो इसी तरह से आप इसे स्लाइड पे उठा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसी प्लेट में करके दिखा रही हूँ। तो मास्क जो है आपके पास पहना होना चाहिए, जो रेड वाली कॉलोनीज है ये हम चेक करना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, इसके अंदर जो बबल फॉर्मेशन है बहुत हो रहे हैं, ठीक है, बहुत हल्के बबल फॉर्मेशन है, वो भी इसकी वजह से हो रहे हैं। यानी कि ये जो रेड वाली पे अगर मैं डाल रही हूँ, तो रेड वाली यहाँ इस वाली कॉलोनी पे फोकस कीजिए, इस वाली कॉलोनी पे जो है वो बबल फॉर्मेशंस हो गए हैं, देखो, ठीक है, दिख रहा है ना आपको बबल फॉर्मेशंस। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कॉलोनीज हैं, ये जो पिंक वाली कॉलोनीज है, इसकी मैंने ऑलरेडी उठाई थी, ये भी क्या है, अब बबल फॉर्मेशन करती है। इसी तरह से ये जो रेड कॉलोनीज थी, ये भी बबल फॉर्मेशन कर रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपके प्लेट के अंदर जो ये कल्चर प्लेट है, इसके अंदर ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो कैसे हैं, कैटलेज पॉजिटिव टेस्ट को शो कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।